दिव्यांगों को वितरित की गई ट्राईसाइकिल, साइकिल पाकर खिले चेहरे। झांसी के मऊरानीपुर खंड विकास कार्यालय में सरकार द्वारा दिव्यांगों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरित की गई, जिसे पाकर दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इसके साथ ही उपस्थित मुख्य अतिथि द्वारा दिव्यांगों को फूल माला देकर और पहनाकर सम्मानित किया गया और उनकी समस्याओं को सुना गया। मऊरानीपुर के खंड विकास कार्यालय में सरकार द्वारा गरीब असहाय दिव्यांगों को तिपहिया साइकिल भेजी गई, जिसको लेकर आज मऊरानीपुर विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य, ब्लॉक प्रमुख आनंद सिंह परिहार द्वारा दिव्यांगों को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा दिव्यांगों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी ली गई। वहीं जिन दिव्यांगों को आवास, शौचालय, पेंशन नहीं मिल रही है, उनसे वार्ता कर संबंधित अधिकारी को समस्या के निराकरण के लिए कहा गया। क्या कार्यक्रम था, क्या कितने लोगों को साइकिल वितरित की गई? आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ट्राई साइकिल वितरण कराया गया दिव्यांगजनों को, जिसमें हमारे माननीय विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य जी उपस्थित रहीं, हमारे क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी उपस्थित रहे, और 40 लोगों को पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराए गए थे, जिसमें से 25 लोग उपस्थित रहे ट्राई साइकिल के लिए, तो उनको दिया गया। साथ ही यहाँ पर कतिपय अन्य व्यक्ति भी, जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था किसी कारणवश, माननीय विधायक जी के पहल पर और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के महोदय के माध्यम से करीब 7-8 लोगों को भी अतिरिक्त साइकिलें उपलब्ध कराई गई। जी हाँ, लगभग 32-33 लोगों को साइकिलें उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर प्रमोद चतुर्वेदी, बबलू सिंह, देवेंद्र चतुर्वेदी सहित अन्य नेताओं के साथ खंड विकास अधिकारी गणेश वर्मा व ब्लॉक के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मऊरानीपुर से भूपेंद्र सिंह परिहार के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।